हमारे यहाँ पूजा मतलब अल्पना, सो दुर्गा पूजा है, अष्टमी है, तो अल्पना देना तो मैंडेटरी बनता ही है। ये अल्पना चौक है, इसे पानी में भिगोकर एक कॉटन के मदद से हम अल्पना देते हैं। सो दिस इज माई होल अष्टमी गेटअप। अब हम जा रहे हैं पंडाल हॉपिंग करने। पहले तो हम गए थे ईस्ट वेस्ट कल्चर, जिसका मिनी व्लॉग मैंने अपने चैनल पर डाला है, डू चेक आउट दैट शॉर्ट्स एज वेल। सो दिस इज आवर नेक्स्ट स्टॉप, ये है कल्प वृक्ष, जो कि अजंता मैरिज हॉल में इनका पूजा होता है, हाई टेंशन रोड में है। और यहाँ का जो भोग है, इट इज रियली अमेजिंग। मतलब ये हमारा सेकेंड ईयर है, हमें लास्ट ईयर ही इस पूजा के बारे में पता चला था कि यहाँ पर भी एक पूजा होता है। यहाँ का जो यू नो भोग मिलता है ना, इट इज रियली रियली अमेजिंग। ये दुर्गा माँ की प्रतिमा मुझे बहुत ही सुंदर लगा, इन्होंने काफी सुंदर डेकोरेशन भी किया था, और नीचे बहुत ही सुंदर सा अल्पना है, इन्होंने पेंट से अल्पना बनाया है नीचे। एंड शिवांश वाज सो फैसिनेटेड विद द डाक कि उसे भी वो ट्राई करना था, और वो बार बार जाकर वो डाक को बजाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ अब हम निकल गए हैं, बस उनका जहाँ पूजा होता है ना, जो हॉल है उसके बाहर में एक गार्डन की तरह है, वहाँ पर इन्होंने भोग लगाया था और भोग काफ़ी टेस्टी था। दुर्गा पूजा एंड खिचड़ी गो टुगेदर, सो इस खिचड़ी के लिए हम पूरी साल वेट करते हैं, एंड यू वोंट बिलीव इतना यम होता है ना। प्लस इसमें पायस भी था, चटनी भी थी, एंड मिक्स्ड वेज था, और ये है वो फुल प्लेटर ऑफ भोग जो हम डेलिश कर रहे हैं। वहाँ बहुत गर्मी थी, तो इसलिए हमने सोचा कार में ही बैठकर हम खिचड़ी खाते हैं, और खिचड़ी खाते खाते फिर हम चले गए घर। फिर घर में थोड़ा रेस्ट करके इवनिंग में फिर हम निकले। ईस्ट वेस्ट कल्चर हमें जाना था, उससे पहले हमने शिवांश को एक टॉय खरीद के दिया, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से कह भी रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि उसको एक टॉय खरीद के दे दें। और फिर यहाँ से हमने शिवांश के लिए कंस्ट्रक्शन व्हीकल टॉय लिया, वो काफी खुश हुआ, वो काफी दिनों से बोल भी रहा था कि उसे टॉयज चाहिए, तो फिर हमने काफी दिनों के बाद ही खरीदा है, इतनी फ्रीक्वेंटली हम नहीं लेते हैं टॉयज उसके लिए। फिर यहाँ से हम गए ईस्ट वेस्ट कल्चर, हम यहाँ से निकल गए ईस्ट वेस्ट कल्चरल एसोसिएशन के लिए। मॉर्निंग में यहाँ ईस्ट वेस्ट कल्चर में ना एक कॉम्पिटिशन था, वेल ड्रेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ किड्स, एडल्ट्स एंड यू नो ओल्ड एज। सो इस कैटेगरी में शिवांश ने भी पार्ट लिया था और मैंने भी पार्ट लिया था, जिसके फोटोग्राफ्स मैं इस व्लॉग के एंड में डाली हूँ, तो प्लीज़ डू चेक आउट द व्लॉग टिल द एंड। और मुझे ना ऐसा इंट्यूशन हो रहा था, लाइक यू नो आप बोलो मदर्स इंट्यूशन या कुछ भी ऐसा, कि शिवांश को मतलब प्राइज मिल ही जाएगा, ऐसा मुझे इंट्यूशन हो रहा था, तो इसलिए हम रेडी होकर गए ईस्ट वेस्ट कल्चर। एंड वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स भी हो रहे थे, वो भी हमने इंजॉय किया, काफ़ी सारे फूड आइटम्स भी हमने टेस्ट किया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यही तो है दुर्गा पूजा का यू नो असली मज़ा। शिवांश
कंग्रेचुलेशन सबके जोरे हाथ में शिवांश के जन्म किड्स कैटेगरी थर्ड रनर शिवांश किड्स कैटेगरी किड्स कैटेगरी सेकंड रनर अप टाई हो गया चलो एंड यस माय इंट्यूशन केम ट्रू शिवांश ने थर्ड प्राइज जीता। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे मतलब हम सब बहुत ही खुश हुए। शिवांश वाज आल्सो वेरी हैप्पी एंड ट्रॉफी वाज आल्सो वेरी नाइस। उसके कप के ऊपर ना एक क्रिस्टल जैसा था जिससे वो खेलने लगा। कप की फोटोज भी मैंने इस व्लॉग के एंड में डाले हैं, सो डू चेक आउट द व्लॉग टिल द एंड। एंड शिवांश वाज वेरी टायर्ड, तो हम थोड़ा वहाँ पर टाइम स्पेंड करके फिर हम रिटर्न आ गए घर। तो इसी तरह हमारा अष्टमी का दिन खत्म हुआ। अब नवमी व्लॉग भी मैं बहुत ही जल्द डालने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर द नवमी व्लॉग एज वेल। वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड हियर कम्स ऑल द पिक्स जो हमने कॉम्पिटिशन के लिए सबमिट किया था।